Hello to all my CMA into students and yes, how are you all people doing? आज था अपना CMA इंटर का पेपर 10, दैट इज़ न्यू सिलेबस का, दैट इज़ अकाउंट्स एंड ऑडिट, राइट? एंड यस, द साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस, होपिंग दैट आज का पेपर आपका बहुत 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 प्यारा था और बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा था करके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, सक्सेस बैच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर देम. Also the chart books was very helpful and also the one day before wala jo important questions diya tha wo bahut zyada helpful tha. So yes, here I am for you all, jahan pe hum log discuss karne wale hai hamare audit ke MCQ ko leke, plus usi ke sath sath hum log hamare baki ke questions bhi dekhenge. सेम वाइज हर सर आपको करने वाले हैं पूरा का पूरा अकाउंट्स का पेपर सॉल्विंग, जहाँ पे अकाउंट्स का एमसीक्यू सॉल्विंग होगा और बाकी पूरा पेपर का रिव्यू हर सर करवाने वाले हैं, राइट? सो आई होप यू गाइज आर रेडी एंड लेट्स सी द पेपर. जहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे, सेक्शन ए जो अपना था, सेक्शन ए कंपल्सरी था एंड इट वॉज कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड, जहाँ पे छः क्वेश्चंस जो आपके थे वो पूरे के पूरे अकाउंट्स के थे, एंड उसको छोड़ के बाकी के जो भी क्वेश्चंस थे वो ऑडिट के थे. तो इसीलिए ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके हाथ के थे, राइट? बराबर है कि नहीं है? सो लेट्स सी फटाफट से, अगर आप पूरी तरीके से नोटिस करेंगे, जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपका अकाउंट्स का था, दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आपका अकाउंट्स का था, तीसरा वाला भी अकाउंट्स का था, चौथा वाला भी अकाउंट्स का था, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी आपका अकाउंट्स का था, राइट? सो लेट्स गो अगेन, लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज अगर हम लोग बात करेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. अगर तुम लोगों को याद रहेगा, मैंने हर बार आपको बोला हुआ है, मैराथन में भी बोला हुआ है, आई मीन सक्सेस बैच में भी बोला हुआ है मैंने आपको, उसी के साथ साथ मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी बोला हुआ है, प्लस कल जो एडिशनल चीज़ें आपको बताई थी ऑडिट को लेके, कैसे पढ़ना है क्या करना है, उसके वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अपने को स्टैंडर्ड अच्छी तरीके से करके जाने हैं, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ऑडिट का, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कवर्ड बाय SA 230. फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस. कितनी बार करा हुआ है अपन लोगों ने ये क्वेश्चन, अगर याद आता रहेगा तो, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस. तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट एन एग्जाम्पल, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एविडेंस, राइट? तो कौन से ऑप्शन है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये इंटरनल है, सेल्स इनवॉइसेस, ये इंटरनल है, कोटेशन, ये भी क्या है तुम्हारा, एक्सटर्नल है, क्योंकि कोटेशन अपने को कहीं और से मिलते हैं, राइट? तो द राइट आंसर इज कोटेशन. तो यहाँ पे मिल गए अपने को 4 मार्क्स पूरे के पूरे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्स फॉर्म्स फॉर्म्स, कितनी बार बोला था, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के फॉर्म्स अच्छी तरीके से करके जाना है, बराबर है कि नहीं है? तो फॉर्म डैश इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन सा वाला फॉर्म है, CRA 2. इसका मैंने चार्ट बुक में भी आपको याद आता रहेगा टेबल दिया हुआ था, बराबर है कि नहीं? CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4. नेक्स्ट, नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन, मतलब कितने टाइम के लिए वो अपॉइंट हो सकते हैं, पूरे के पूरे 10 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, और उनका कूलिंग पीरियड कितना है, 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड था, बराबर है कि नहीं है? जिसमें से पहला वाला हमारा क्या है, 1 और 4, 2 और 4, 1 और 5, 2 और 5. तो इसका सही आंसर क्या है अपना, 2 और 5, दैट इज 5, 5, मतलब 10 ईयर्स. फिर हम लोग जब बात करेंगे जे वाले क्वेश्चन की, ये है आपका अकाउंट्स का पूरा सम. नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट. याद आ रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट का सबसे पहला वाला क्वेश्चन अपना था कि कौन से बेसिक एलिमेंट्स है, टाइटल आया, एड्रेस आया, सिग्नेचर आया, डेट आया, की मैटर्स आया, राइट? तो पहला वाला है ऑडिटर्स ओपिनियन, सेकेंड वाला है बेसिस ऑफ ओपिनियन, जिसमें तुम ओपिनियन देने का काम करते हो, थर्ड है रिपोर्ट ऑफ अक्रूअल अजम्पशंस, ये तो अपन लोगों ने कभी देखा नहीं है. तो योर राइट आंसर इज रिपोर्ट ऑफ अक्रूअल अजम्पशंस, जहाँ पे की ऑडिट मैटर्स भी अपन लोगों ने करा हुआ है, ठीक है? फिर जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एल. अगर ये क्वेश्चन याद आता रहेगा, एमक्यूपी में भी अपन लोगों ने सॉल्व करा था, प्लस तुम्हारा मॉड्यूल के अंदर भी ये दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूलर सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया, इन इंडिया, दैट इज ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद. तो इसका राइट आंसर तुम्हारा क्या है, ग्राम पंचायत, बराबर है कि नहीं है? राइट, याद आ रहा है कि तुमको?
नेक्स्ट कैजुअल वेकेंसी, जगह खाली रहना, जगह खाली रहना. तो कैजुअल वेकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर्स फाइल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, कंट्रोल एंड ऑडिटर. कंट्रोल एंड ऑडिटर तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और ये बात चल रही है कॉस्ट ऑडिटर की, बराबर है कि नहीं है. तो कोई और नहीं रहा तो कौन अपॉइंट करने वाला है? सीधा सीधा अपन लोगों ने करा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये तुम्हारे लिए एकदम मस्त वाला क्वेश्चन था. अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, डैश परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी ट्रांसफर्ड टू अ रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ बोनस टू इट्स मेंबर. कितना परसेंट देता है ये, कितना परसेंट देने वाला है ये तुम्हारे लिए? 25%. कितना परसेंट? 25%, बराबर है. तो दिस इज योर राइट आंसर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क. इज एन ऑडिट रिस्क, दो टाइप ऑफ रिस्क थे, बराबर है कि नहीं है, जिसके अंदर डिवाइड करके और अपन लोग जब दिखते हैं तो तीन टाइप ऑफ रिस्क होते हैं. इनहेरेंट रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है एंड कंट्रोल रिस्क है. इसके अंदर कौन सा वाला सही है? कंट्रोल रिस्क. तो राइट आंसर इज सी. मतलब अगर अपन लोग देखेंगे एमसीक्यू के अंदर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो कम से कम 18 मार्क्स अपने को यहाँ से मिलते हैं. कितने मार्क्स मिलते हैं? 18 मार्क्स हम लोगों को यहाँ से मिलते हैं. और जब हम लोग जाते हैं पूरा हमारा ऑडिट के थियोरेटिकल चीज़ों को देख के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जब हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6A, दैट इज व्हाट इज ऑडिट ट्रेल एंड डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट ट्रेल, में तुम लोगों को बता देती हूँ. ये तो अपन लोगों ने सक्सेस बैच के अंदर देखा ही देखा है. प्लस इसी के साथ साथ अगर तुम और एक चीज़ देखेंगे, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा हुआ है. तो जिन्होंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा हुआ है आप लोगों को 100% ये ध्यान में आया रहेगा. जहां पे ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है कि तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड प्रोविजंस ऑफ ऑडिट ट्रेल, मैंने तो ऑलरेडी दिखाया हुआ है यहाँ पे, बराबर है कि नहीं है. तो यहाँ पे आ गए अपने 7 मार्क्स, पूरे के तो पूरे मिलेंगे नहीं तुम लोगों को, दैट इज फॉर श्योर. बट यहाँ पे आ गया मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, बराबर है कि नहीं है. फिर अगर अपन लोग बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अंडरग्रो सेक्रेटरियल ऑडिट, मतलब इन्होंने क्या बोला है, किसको किसको एप्लीकेबल है सेक्रेटरियल ऑडिट, राइट, बराबर है कि नहीं है. इसका एक स्टडी भी अपन लोगों ने करा हुआ था, अगर तुम लोगों को याद आता रहेगा तो. और उसी के साथ साथ और एक जादू मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, दैट इज ये देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, राइट, बराबर है. तो मैं वापस बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए बहुत बहुत सोच के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया, डिस्कस द रोल ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ अनपेड डिविडेंड, इट इज ऑल अबाउट व्हाट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके था. अगर तुम लोगों को याद आता रहेगा मैंने तुम लोगों को बोला था कि आइटम्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रायोरिटी 3 पे था, जो तुमको करके जाना था, बराबर है कि नहीं. तो ये 7 मार्क्स का था तुम्हारा. नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग अ कॉस्ट ऑडिटर इन अ कंपनी. मैंने बोला था कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर का करके जाना और अपॉइंटमेंट तो करके ही जाना, ये भी बोला था. और ये देखिए यहाँ पे तुम्हारा आया, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड द कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर. ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया हुआ है, राइट, एक्सक्यूज मी, राइट, बराबर है कि नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे, मैं और दिखाती हूँ तुमको बहुत मजा आएगा. वाइल कंडक्टिंग देन ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैंने बोला था कॉमन है, एक है एजुकेशन का आएगा, एक हॉस्पिटल का आएगा, एक होटल्स का आएगा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आएगा, बराबर है कि नहीं है. तो यहाँ पे तुमको क्या पूछा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पूछा है, जो ऑलरेडी अपन लोगों ने कहाँ पे किया था, MQP में किया हुआ था अपने सुपर 50 के बैच में, बराबर है कि नहीं है. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे रहेंगे उन लोगों को याद आता रहेगा कि अपन लोगों ने किया हुआ था. एंड लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, दैट इज द रोल ऑफ NFRA. याद आता है कि तुम लोगों को मैंने बोला था जब अपन लोग सक्सेस बैच के चार्ट बुक कर रहे थे, मैंने बोला था ये नया टॉपिक है, ये तुम लोगों को आ सकता है. एंड इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंसेस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. तो भाई ये देखो, ये है क्वेश्चन वापस से जो 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 आया हुआ है, दैट इज फंक्शंस एंड रोल ऑफ NEFRA
एंड डिस्कस द रोल इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंसेस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया हुआ है, राइट. तो अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6B, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग बात करेंगे 7B की, 8A की और 8B की, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हुए थे, राइट. तो 7, 7, 7, 7, 7, 35 मार्क्स अपन लोगों ने यहाँ से स्कोर करा हुआ है, बराबर है कि नहीं है. तो यस, दिस वाज द पेपर रिव्यू जहाँ पे अपन लोगों ने बहुत सारी तैयारी करी हुई थी. एंड होपफुली आप लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा गया है. कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को बताना है कि आपका पेपर कैसा था करके, राइट. क्योंकि बहुत ईजी पेपर था कंपेयर टू ऑल द थिंग्स. काफ़ी नई नई चीज़ें इन्होंने डाली हुई थी और ये मैंने तुम लोगों को बोला ही था स्ट्रेट अवे कि यू हैव टू डू द एप्लीकेबिलिटी, यू हैव टू डू द न्यू टॉपिक्स, प्लस उसी के साथ साथ यू हैव टू गो विद द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला थिंग और मिसलिनियस ऑडिट का भी, कि कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे करके, राइट. तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई थी, जबकि सक्सेस बैच के अंदर भी मैंने बहुत फोकस किया था मिसलिनियस ऑडिट के ऊपर कि ये क्वेश्चंस इधर से आएंगे ही आएंगे. फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक पे भी बहुत फोकस किया था कि आएंगे ही आएंगे, एंड दिस इज़ द थिंग कि आया हुआ है, राइट. तो ओवरऑल अगर तुम देखेंगे MCQ वो सुपर 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 ईजी एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस वर वेरी 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 इजी. सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर वाला थिंग दैट इज ऑफ ऑडिट, एंड होपफुली ये देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा. एंड जैसे आई हैव डन विद द ऑडिट, सेम हर सर कंटिन्यू करने वाले हैं आपका अकाउंट्स का पेपर रिव्यू विद MCQ सॉल्विंग, राइट. सो इसी तरह अपडेटेड रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे. सो आई विल बी कमिंग अप विद मेनी मोर थिंग्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं, प्लीज़ उसको मिस नहीं करना है, राइट. सो यस, नाउ हर्सल विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स, राइट. एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ऑडिट का पेपर आपका कैसे गया, ठीक है. हेलो मेरे प्यारे CMA इंटर ग्रुप 2 के बच्चे लोग, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का पेपर हो चुका है. ऑलरेडी पहले वाले सेक्शन में आपने निकिता मैम के साथ पूरा ऑडिट का पेपर का डिस्कशन कर लिया है. अब बारी है हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की. भाई साहब कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्या आंसर्स थे, किस तरीके से पेपर आया था. भाई साहब पेपर बहुत सिंपल था. बहुत सारे बच्चे लोगों ने जिन्होंने हमारे लेक्चर्स देखे थे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सम्स थे जो हमने क्लास में सॉल्व किए थे, वही सम किस में आ गया आपके एग्जाम में, पूरा का पूरा सेम टाइप आ गया. आप सबको पेपर जरूर अच्छा गया रहेगा. चलो फटाफट से आ जाओ, देखते हैं कि क्या आंसर्स है. ऑलरेडी आपने ऑडिट के आंसर्स मैम के साथ डिस्कस कर चुके हैं, अब बारी है हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. तो पहला सवाल क्या आया था आपको, इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ शेयर्स to be bought back, which of the following test are not relevant as per the Companies Act 2000. तो भाई साहब ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा है, which of the following test is not relevant, कौन सा relevant नहीं है, relevant नहीं पूछा है, not relevant पूछा है as per section 68. हमको पता है यार share outstanding test compulsory है, resource test compulsory है, आपका debt equity ratio test भी क्या है compulsory. तो answer क्या होने वाला है आपका इसका, करंट रेशियो टेस्ट ऑप्शन नंबर सी. जिन लोगों ने आंसर मार्क किया रहेगा आपके 2 मार्क्स कंपलसरी आपके जेब में आ चुके रहेंगे. सर अगला वाला एकदम सिंपल कैश फ्लो का आपको सवाल पूछ लिया था भाई साहब, कि भाई साहब कैश पेमेंट टू सप्लायर इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड. अरे कैश फ्लो के कितने सारे सम्स किए हमने, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर्स को तो वो कौन सा एक्टिविटीज है, आप सबको भली बात ही पता रहेगा. इट इज एन विच एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट इज एन व्हाट, कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यार, ये आपका एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टास्क आता है सर. ट्रेड रिसीवेबल्स लाइकली टू बी सेटल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल आप सबको शेड्यूल 3 पता है सर, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स विच एवर इज हायर हम लोग लेते हैं, आप सबको याद रहेगा. तो भाई साहब इसका आंसर्स क्या है, सर ट्रेड रिसीवेबल आ गया तो ये हमारा कौन सा एसेट है आपका, करंट एसेट. ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए. आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए. पहले 3 MCQ का आंसर आपके सामने आ चुका है. व्हेन एन इंश्योरेंस ट्रांसफर, इंश्योरेंस का आपको MCQ पूछ लिया, ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ रिस्क टू द अनदर इंश्योरेंस, मैं अपना रिस्क दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूं. इंश्योरेंस क्लेम याद करो यार, मैंने आपको वादा कर दिया कि मैं आपका इतना समझो फॉर एग्जांपल 100 लाख का रीइंबर्समेंट करके दूंगा, बट मुझे बाद में पता चला कि ये बहुत ज्यादा हो गया तो मैंने दूसरे कंपनी को क्या कर दिया, ट्रांसफर.
तो उसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट भी बटेगा आपस में, उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं री इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर क्या मार्क करेंगे आप लोग? बी। एकदम सिंपल सिंपल सा जवाब, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा। फिर आगे सर, एज पर इंड एज टू इन्वेंट्रीज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन शुड नॉट इंक्लूड। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या नहीं आएगा सर, ये आपको बताना पड़ेगा सर। या डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, अब नॉर्मल वेस्ट आता है क्या? नहीं, ये आपका एक्सक्लूड होता है एज पर इंड एज टू। लेक्चर में डिस्कस किया है इसके ऊपर कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आएगा, एमसीक्यू में 2 मार्क के लिए आ गया। मतलब जितने हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे रहेंगे, जितने हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, जितने एप्लीकेशन मोड रहेंगे, जितने गूगल ड्राइव वाले बच्चे रहेंगे, उन सबको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट हुआ रहेगा, क्योंकि ये सारे थ्योरी के पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस कर रखे थे भाई साहब, वही एग्जाम में आपको आ गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका? डी। तो पहले 4 आपके एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं। अगला जो एमसीक्यूज है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है आपका जे वाला पॉइंट, वो आपका एक एमसीक्यू अकाउंट के लिए पूछा गया था। इफ द टोटल इश्यू ऑफ 2 लाख एंड द अंडरराइटर कमिट्स ऑफ 100% अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ 4%, व्हाट विल बी द कमीशन पेएबल? इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज 1,40,000, द इश्यू प्राइस इज 12 एंड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10। ये जो आपका सवाल पूछा गया इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये सवाल का सही जवाब मेरे हिसाब से कुछ अलग आ रहा है, ऑप्शन में कुछ अलग है। जब भी मुझे इसका सही आंसर रिलेवेंट मिल जाएगा, मैं आपके लिए वो अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, बिकॉज ये ऑप्शन जो दिए वो मेरे हिसाब से आज सच सही नहीं आ रहे। तो जो भी इसका आंसर बाद में मुझे पता चल जाएगा, वो रिलेवेंट आंसर मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करना। उसके बाद सर हमारा सवाल, ये बाकी सारे आपके ऑडिट के थे, आपने ऑलरेडी निकिता मैम के साथ ये सारे सम्स डिस्कस कर लिए, एमसीक्यू डिस्कस कर लिए, तो 5 एमसीक्यूज का मैंने आपको आंसर दे दिया, पहले 5 एमसीक्यूज का। अभी हम लोग आगे बढ़ते सर, पेपर में और क्या पूछा गया था आपको? पहला सवाल आ गया था भाई साहब हमारा, जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मैंने क्लास में बार बार बताया था कि आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, 4 फीचर पढ़ना पड़ेगा, री इश्यू पढ़ना पड़ेगा, और याद करो वो बोनस लेक्चर वाला शेयर का लेक्चर, जहां पे मैंने बोला था कि बोनसेस किसी के साथ भी आ सकता है, इट कैन बी आस्क्ड विद प्रेफरेंसेस डिबेंचर्स और एनीथिंग, कोई भी इसमें से आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो भाई साहब ये देखो एकदम सिंपल सा सवाल था भाई साहब, इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे, कुछ लोगों ने आपका पैसा पेमेंट नहीं किया, इसी के वजह से आपने उनके शेयर्स को फोरफीट किया, और फोरफीट करने के बाद री इशू किया, री इशू के अलावा आपने बोनस शेयर्स भी इशू किए, और साथ में क्या बोला है, राइट इशू का भी सवाल पूछा गया है। राइट इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, मैंने आपको बोला था कि फोर फीचर के साथ कुछ भी आ सकता है, इट कैन बी आस्क एनीथिंग, तो आपको पूछा गया था राइट इशू, बोनस इशू वाला पार्ट भी एक छोटा सा इसमें डाल दिया था। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2। 7 मार्क्स आप आराम से, नरेशन लिखना कंपलसरी था, लेक्चर में बोला था नरेशन लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव, शेयर्स फोरफीटेड, ये सारे नरेशन आपको लिखने पड़ेंगे सर। इसके बाद देखो याद करो वो लेक्चर जहां पे मैंने एग्जांपल, देखो मैं आप सबके लिए ना ये क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे ना, तो आप जाना अपने क्लास वर्क में, आप क्लास वर्क में जाओगे तो ये देखो ये क्वेश्चन हमने किया था क्लास में, एग्जांपल लिखाया था मैंने आपको, आप सबको याद रहेगा, कम राइट प्राइस निकालना सिखाया था, एक्स राइट निकालना बोला था, वैल्यू ऑफ राइट निकालना बोला था, और इंक्रीज इन दी शेयर कैपिटल, सेम टाइप का एग्जांपल, मैं तो अमाउंट भी चेक करोगे तो अमाउंट भी सेम था, पूरा का पूरा सम सेम आया है अपने क्लास के जो एग्जांपल था उसके रूप में। 7 मार्क्स यहां से आप आसानी से सिक्योर कर सकते हो। तो यार पहले तो आपको एमसीक्यूज मिल गए अच्छे खासे 30 मार्क्स के, पहले क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल आ गया आपको, पहला फोरफिटेड का साथ में राइट इशू का। उसके अलावा सर आपका राइट इशू का अगला वाला पूछ ले कि आपको निकल के दो थ्योरेटिकल एक्स राइट क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ राइट क्या रहेगा, और कितना आपका इंक्रीज होएगा, अगेन फॉर 7 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो मैंने आपको बोला था क्लास में शेड्यूल 3, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमने बहुत अलग अलग लेवल के सम्स यहाँ पे किए थे, बहुत सारे आपके फाइनल लेवल के सम्स भी हमने शेड्यूल 3 में कवर किए थे। ये आपको सवाल आ गया, ये अगर एडजस्टमेंट देखोगे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट अपने हर सम में कवर है, वही टाइप का क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आ गया। आरडीडी भी क्लास में हमने सॉल्व किया है, मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, याद करो यार इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करने के, याद आ रहा है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके ऊपर अलग अलग एग्जांपल्स लिए थे। डेप्रिसिएशन के ऊपर हमने कम से कम 8 से 10 एग्जांपल ले रखे थे।
प्रपोज डिविडेंड आ गया था और ट्रांसफर करना था कुछ पैसा किसके अंदर, जनरल रिजर्व के अंदर। आपको बनाना है शेड्यूल 3 और देना है नोट्स टू अकाउंट। सिंपल सिंपल सी बात है, इतना सा सवाल आपको पूछ लिया था। मेरे ख्याल से सबसे सिंपल सवाल है आपका ये जो शेड्यूल 3 का आया था, 14 मार्क्स। यहाँ पे आप आसानी से अगर बच्चे पढ़ के गए रहेंगे, अगर आपने हमारे रेगुलर नोट्स के जो सम्स है वो भी सॉल्व किए रहेंगे, तो आप इसको आसानी से टैकल कर सकते हो, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट वहां पे कवर कर रखे हैं मैंने। अगर आप देखोगे तो सेम टाइप का आपका सम आया था। उसके बाद सर आपको यहाँ पे पूछ लिया सर कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ, अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम। डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चे लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का अगर उतना ही पार्ट मैंने जो बोला था पढ़ के गए रहेंगे, तो अगेन एंड आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का आप ये पार्ट क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। फिर सर ये आपका आगे इंश्योरेंस वाला चैप्टर, इंश्योरेंस वाला चैप्टर भी कितने मार्क्स के लिए पूछ लिया था आपको, 7 मार्क्स के लिए आपको इंश्योरेंस वाला चैप्टर भी आपको पूछ लिया था। इंश्योरेंस वाला आपको चैप्टर आ चुका है 7 मार्क्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस 7 मार्क्स के लिए आया था इस बार, अच्छा खासा वेटेज था। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, जाओ बुक के अंदर, मैं बोलूंगा आपको बुक का जाना है आपको क्वेश्चन नंबर सिमिलर टू बुक का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। जो 3 एंड 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसको डिट्टो सिमिलर है, डिट्टो सिमिलर है। हमने तो बेसिकली आपका बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस सारी चीज निकाली उसके अंदर, वही पूछा गया आपको। दोनों जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझेगा कि सर डिट्टो सेम सम आया था, पूरा टाइप सेम है, बस अमाउंट चेंज कर रखे है। क्वेश्चन नंबर 5 इन डेज नंबर 33 आसानी से सॉल्व कर सकते थे, 7 मार्क्स के लिए आया था। मैंने आपको बोला था कि इन डेज 33 मिस नहीं करना है। देखो आ गया आपको कैश फ्लो के बारे में सवाल, अगेन फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 7 मार्क्स। अरे यार इससे सिंपल सवाल क्या आएगा, हमने कितने सारे सम्स किए, ऑपरेटिंग क्या रहता, इन्वेस्टिंग क्या रहता, आपका फाइनेंसिंग क्या रहता, 7 मार्क्स के लिए बस पूछा गया कि बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना रहेगा। यार सब तो आइटम दे रखे थे, बस कैश फ्लो बनाना है, वो भी बस ऑपरेटिंग का, ना ही इन्वेस्टिंग ना ही फाइनेंसिंग। ये आपका पेपर था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, आपने देखा रहेगा तो ऑलमोस्ट 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 70-80% ऑफ टाइप्स ऑफ सम्स हमारे बुक से कवर्ड थे। जो हमने बुक में हमने ऊपर से हायर लेवल के सम्स भी क्लास में सॉल्व किए थे, उतना हायर लेवल के सम्स आपको पूछे नहीं गए थे, बट जब आपने वो सॉल्व कर लिए उसके वजह से आप पेपर आसानी से सॉल्व किए रहेंगे। जरूर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हेल्पफुल रहा क्या नहीं। और बाकी के 2 पेपर के लिए बच्चा लोग ऑल द बेस्ट, एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके लिए हेल्पफुल था क्या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। और भूलना मत AEC इज एक्सक्लूसिव फॉर CM है, आपके लिए ग्रुप 2 के लिए जो हमने क्लास में किया था वही आपके पेपर में आ चुका है। इसी तरीके से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।